कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी थी। जबलपुर हाई कोर्ट में इसकी आज सुनवाई होने वाली है। बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी थी और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण कितना सही कितना गलत, इस पर हाईकोर्ट में तर्क वितर्क का दौर लगातार चल रहा है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया था कि मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है, लिहाजा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं की ओर से कह गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं रखा जा सकता है, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को दिया गया 27% आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। छह सितंबर को बड़वानी जिला मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में आदिवासी अधिकारी समागम रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के लिए पूर्व मंत्री और महेश्वर विधायक विजय लक्ष्मी साधो को कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है। मीडिया से चर्चा में विजय लक्ष्मी साधो ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर प्रहार किया। पेट्रोल पंपों पे हमने विरोध प्रदर्शन किया, साइकिल यात्राएं की, उपवास के कार्यक्रम हमने रखे और लगातार कांग्रेस कार्यक्रम करती आई है। वो भोपाल में आप खुद ही मान रहे हैं कि हमने वहाँ लड़ाई लड़ी लोगों की। अभी इंदौर में वहाँ हमारी प्रभारी भी थी विजय लक्ष्मी साधो जी, वहाँ जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस प्रकार से वहाँ हमारे उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी, मुकुल वासनिक जी, कमलनाथ जी लगातार प्रदेश में कोई ना कोई कार्यक्रम दे रहे हैं। आदिवासी अधिकार रैली जन आक्रोश रैली तो है, इसमें हमेशा से कांग्रेस की प्रतिबद्धता रही है कि कांग्रेस सभी को साथ में लेकर चलता है। सर्वधर्म संभाव की जो परिकल्पना है उसको लेकर कांग्रेस हमेशा चली है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का इसमें समावेश होगा। सवाल उत्पन्न होता है कि अत्याचार उन व्यक्तियों पर हो रहा है जो शोषित है, जो पीड़ित है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अन्य समाज का गरीब तबका हो। आज सभी शोषण के शिकार बनते जा रहे हैं प्रदेश के अंदर। यहाँ तक कि मैं कर्मचारियों को कहूंगी कि कर्मचारी जो जात है वो भी निरीह प्राणी है, वो भी सरकार के दमनकारी रवैये को भुगत रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, जाते जाते आपको